Hello friends, hello everyone, welcome to Civil Engineering Education. Once again, today's topic is construction materials and their contents. Okay, everyone knows that we are using that steel bars, concrete, cement, etc. These are the major contents for the civil engineers, right? But do you ever notice that what are their contents? Usme hota kya hai? What are they of made of? Right? So construction material mein hum pehla content dekhenge steel structures ka, right? So first, structural steel. Steel is an alloy of iron, carbon, chromium, nickel and other elements. Dosto, aap steel use karte ho, but aapne kabhi socha hai ki वो किस किस चीज़ों से बने हुए हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स, राइट? सो हियर आई एम रिवीलिंग द कंटेंट्स विच आर यूज्ड एंड इन डिफरेंट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, राइट? अगर तुम स्टील किसी बड़े स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते तो कुछ कंटेंट्स ज़्यादा होंगे, कुछ कंटेंट्स कम होंगे. कहाँ यूज़ होता है, प्लेस के अकॉर्डिंगली कौन सा कंटेंट ज़्यादा होगा. अगर पानी वाली एरिया अगर रस्ट ज़्यादा है तो उसमें क्रोमियम ज़्यादा यूज़ करेंगे. सो सच दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन. स्टील स्ट्रक्चर. स्टील स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? उसमें आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल एंड अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एज आई एक्सप्लेन बिफोर, राइट? फर्स्ट कार्बन. अगर कार्बन कंटेंट उसको देखा जाए तो कैसे देखेंगे? कार्बन उसमें कितना होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट? अगर किसी स्टील लोड बियरिंग है या उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, सपोज ब्रिज वगैरह, तो उस चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्बन ऐड ज़्यादा किया जाएगा परसेंटेज में. दैट इज़ फ्रॉम 1.15% टू 0.3% तक होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है? अगर कहीं पे हमें डक्टिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ दे कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्टेड टू द शीट्स, और दे आर उसको अगर रीशेप करना है हमें उसकी डक्टिलिटी, यू नो व्हाट इज़ डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मीन्स टू मीन्स किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ होती है, रीशेप कर देना उसको, उसको हैमर करके या फिर उसको बैंड करके, तो उसको डक्टिलिटी कहेंगे. या फिर उसको स्ट्रेच करके जो इलोंगेशन होता है, दैट इज़ डक्टिलिटी, राइट? वो डक्टिलिटी कम हो जाएगी जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा. कार्बन कंटेंट्स के वजह से स्ट्रेंथ बढ़ता है. जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ मैंगनीज. मैग्नीज किस लिए यूज़ करते हैं? दे आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ हॉट रोलिंग ऑफ स्टील बाय एडिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर. ओके, तो जहाँ पे इसका हॉट रोलिंग ऑफ स्टील होता है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? ओके, लेट्स सी. माइट भी जहाँ वेल्डिंग ज़्यादा आता है वगैरह एक्सेट्रा. And aluminium. Now aluminium, where are they used? Used as deoxidizer, helps to form more fine grained crystalline microstructure. Okay, aluminium का percentage, aluminium क्यों add करने जाते हैं, ठीक है? These are used as deoxidizer. Dear friends, let me explain you. एक्चुअली अगर इसको ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल्स, बिकॉज इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. दिस आर द केमिकल प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज़ बीइंग डन. सो अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगा तो यू नो मैं हेजिटेट हो जाऊँगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. बट किसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन. ओके, नाउ क्रोमियम. क्रोमियम कहाँ यूज़ होता है, मीन्स कहाँ कंटेंट्स उसके कौन से जगह ज़्यादा होते हैं? तो दे आर यूज्ड फॉर करोजन रेजिस्टेंस.
जहाँ मैंने कहा था पहले कि पानी वगैरह एरिया में स्टील है वगैरह, तो वहाँ पर क्या है मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो कोरोजन ज़्यादा होगा, तो कोरोजन से बचने के लिए क्रोमियम क्यों यूज़ करते हैं। तो जहाँ जैसे जैसे मॉइस्चर्स होंगे क्रोमियम का परसेंटेज कम ज़्यादा होता रहेगा। स्टेनलेस स्टील में 18% निकल भी होता है और 8% क्रोमियम होता है, ठीक है। तो क्रोमियम जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ मोस्टली निकल एंड कॉपर होता ही है, मोस्टली, सभी जगह नहीं, मोस्टली। ओके, नाउ कॉपर, कॉपर कंटेंट कहाँ होगा? प्राइमरीली यूज्ड टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, सो सेम यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना होगा? 0.2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मोलिब्डेनम, दीज आर दीज आर एलिमेंट्स एक्चुअली, आपको जो पता नहीं है इस बारे में इसलिए मैंने वीडियो रखा है, राइट, कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, सो यू शुड नो दिस। MO मीन्स मोलिब्डेनम, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील एट हाइयर टेम्परेचर एंड ऑल्सो इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस। देखो ये दोनों काम करती है, कार्बन का भी काम कर दिया उसने एंड क्रोमियम का भी काम कर दिया। सो सेम इज मैग्नीज एंड वेनेडियम, ठीक है, मैग्नीज और वेनेडियम जैसे को ऐड करके ये चीज़, जैसे कि क्रोमियम में हम कॉपर और निकल ऐड करते हैं ना, वैसे साइमल्टेनियसली इसको ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट। और उसको कब कैसे ऐड करना चाहिए बहुत डिटेल में है वो, निकल, ठीक है। इट एनहेंसिस कोरोजन रेजिस्टेंस, ये भी सेम पर्पज़ के लिए हमने आगे देखा। एनहेंस द लो टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ द मटेरियल बाई इम्प्रूविंग द फ्रैक्चर टफनेस, ये लो टेम्परेचर रखने के लिए हेल्प करती है निकल ज़्यादातर, राइट। सिलिकॉन अलॉन्ग विथ एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम के साथ रखा जाता है, ऐड किया जाता है, दिस इज ऑल्सो यूज एज डी ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है। यहाँ क्या है 0.4 से कम होना चाहिए सिलिकॉन, उससे ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं ब्रिक्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड कंटेंट्स। नाउ इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स, देखो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो बहुत बढ़िया होती है, दे आर वेरी रेड इन कलर, वो अच्छे से पकी हुई होती है, दे हैव नाइस स्टैंडर्ड साइज एक्सेट्रा। टू होता है उससे थोड़ा लो क्लास होता है, थर्ड होता है उसको थर्ड क्लास होता है वो, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक, सिलिका 50-60% होना चाहिए अच्छी ब्रिक में, एल्यूमिनियम एल्यूमिना 20-30%, ओके, लाइम 10%, मैग्नीशियम भी लेस देन 1%, आई मीन मोर देन 1% एंड लेस देन 20%, राइट। फेरिक ऑक्साइड मोर देन 7% एंड लेस देन 20%, अल्कलीज मोर देन 10% लेस देन 20%, 20-10 के बीच में अल्कलीज होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही कम परसेंटेज होना चाहिए, देख सकते हो राख ना हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक पार्ट होता है ना, दैट इज़ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, वाटर भी कम परसेंटेज में होना चाहिए, राइट। ना उसके टेस्ट कौन कौन से हैं ब्रिक्स के, राइट, डायमेंशन टेस्ट होते हैं, उसके डायमेंशन अकॉर्डिंग टू IS 1077 है कि नहीं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होते हैं जो IS 3495 Part 2 के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। एफ्लोरेसेंस टेस्ट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू IS 3495 Part 3। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू IS 3495 Part 1। दिस आर द कोड बुक, तुम्हें पता नहीं होगा तो यू कैन सर्च फॉर इट, ब्रिक्स के लिए भी कोड बुक होती है, राइट। नाउ स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। टेंशन मेंबर जो रहता है उसको टाई मेंबर्स भी बोलते हैं, और यू कैन से जस्ट अ टाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर कौन से होते हैं, एक देखो वायर्स एंड केबल्स, सबको पता है क्या होता है, राइट। रोड्स एंड बार्स, रोड्स हम जो स्टील बार यूज़ करते हैं, द सेम थिंग। नाउ सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट्स,
सो सिंगल स्ट्रक्चरल शेप्स किसको बोलते ही है, जैसे कि एंगल है, ठीक है, टी सेक्शन है, चैनल है, ओके। नाउ बिल्ट अप मेंबर्स, बिल्ट अप मेंबर्स किसको बोलते हैं, ये आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर कंबाइंड फॉर्म में रखा जाए तो उसको बिल्ट अप मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो चैनल है, ये दो, ये चैनल है, दो चैनल्स को साथ में रखा गया है। ये एंगल है, ठीक है, ये ऊपर एंगल है, ये नीचे एंगल है, इसको एक गसेट प्लेट से बांधा हुआ है दोनों को और सेम जगह रखा था, इसको कंबाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बिल्डअप मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मुझे अभी थोड़ा आप ब्रेक दीजिए, एंड कोई भी डाउट है कमेंट्स सेक्शन में रखिए, एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड मेरा ऐसे ही साथ देना, तो आई विल कंटिन्यू दिस मेकिंग वीडियोज़ विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर नॉलेज, आई मीन दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।